उदाहरण 12 दिया है कोण ओ बराबर कोण पी बराबर 90 अंश, भुजा MN सर्वांगसम भुजा QR, भुजा OM सर्वांगसम भुजा PQ। सिद्ध करना है त्रिभुज MOR सर्वांगसम त्रिभुज QPN। अब उदाहरण 12 हमारे सामने है बच्चों, इसे भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने एक आकृति दी हुई है जिसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, त्रिभुज MOR और त्रिभुज QPN। और इसमें जो जानकारियां हमें दी हुई हैं उसको हम क्रमशः देखें। यहां पर कोण O और कोण P बराबर है और समकोण है। यहां आप जो कोण देख रहे हैं O, इसे आप MOR भी कह सकते हैं, वो समकोण है। और उसी तरह से कोण P, जिसे आप कोण QPN भी पढ़ सकते हैं, ये भी समकोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो समकोण दे दिए हुए हैं। और एक चीज़ दी हुई है MN और QR बराबर है। रेखाखंड MN की लंबाई और रेखाखंड QR की लंबाई आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ पर इसने पूरे त्रिभुज की बात, पूरी इस भुजा की बात नहीं की, केवल इस टुकड़े को बताया कि ये बराबर है इस टुकड़े के, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़ OM बराबर PQ दी हुई है। ये जो समकोण बनाने वाली एक भुजा है OM और QP, इस त्रिभुज की भुजा OM इस त्रिभुज की भुजा QP के बराबर है। अब आप सोचिए कि आप यदि सर्वांगसम सिद्ध करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपके सामने दो समकोण दिखाई पड़ रहे हैं दोनों त्रिभुजों में, तो ये तो पता चलता है कि हमने जो सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण समकोण हैं और कर्ण बराबर है और कोई एक और भुजा उनके बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो एक चीज़ इसका हम आधार बना सकते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन जो आपके सामने दिक्कत है कि यहाँ जो विकर्ण है MR और इस त्रिभुज का विकर्ण QN, ये बराबर नहीं दिया हुआ है, केवल इस टुकड़े के बारे में बात कर रहा है कि QR और MN बराबर है या सर्वांगसम है। तो आप कर्ण के बारे में कैसे बात करेंगे, तो इस चीज़ को आपको इसमें सोचना है। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए, आपका ध्यान मैं इस NR के हिस्से की तरफ लेके आता हूँ। ये जो NR है वो ऐसा हिस्सा है जो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, यानी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। और यदि आप इस MN में NR को जोड़ दें तो वो QR और RN के योगफल के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप दोनों विकर्णों को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो कुछ इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले लिखें, जैसा हम लिखते हैं हल करने के लिए, त्रिभुज, इस त्रिभुज के नाम लिखेंगे और इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज MOR। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ओ बीच में रख रहे हैं हम, त्रिभुज MOR और त्रिभुज हम यहाँ से शुरू करेंगे QPN। यहाँ भी हमने समकोण को बीच में रखा, त्रिभुज QPN। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखने जा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। तो पहली चीज़ जो आपको एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि दो समकोण हैं, इनको हम लिखें। तो अब कोण लिखेंगे हम, कोण MOR, कोण MOR। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी MOR हमने लिखा है और यहाँ भी हमने MOR लिखा है। ये त्रिभुज के बारे में बात करता है और ये कोण के बारे में बात कर रहा है। जब हम कोण MOR कह रहे हैं इसका मतलब इस कोण के बारे में बात हो रही है, जो MOR के रूप में भी लिखी जा सकती है। तो कोण MOR बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण P के बराबर, इसे आप पूरा लिखेंगे कोण QPN, कोण QPN। यहाँ पर भी देखिए QPN त्रिभुज भी बता रहा है और QPN कोण भी बता रहा है। जब हम त्रिभुज QPN कह रहे हैं इसका मतलब QPN ये पूरी आकृति, और जब हम कोण QPN कह रहे हैं इसका मतलब कोण QPN ये कोण। तो एक चीज़ हमने बराबर देख ली। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है हमें, OM बराबर PQ, इसे भी हम लिख लें। ये वाली भुजा OM इस भुजा PQ के बराबर है। तो भुजा MO बराबर भुजा QP, ये दोनों जानकारियां हमें दी गई हैं। अब चलिए एक बात और दी हुई है कि MN बराबर है QR के, इसे भी हम लिखें। MN बराबर है QR के, ये भी दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है
अब आप इसमें देखिए, यदि हम एनआर को दोनों में शामिल करें, इस एनआर के टुकड़े को दोनों शामिल करें, जो इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और इस त्रिभुज का भी हिस्सा है, तो हमें क्या मिलेगा? हम इसे लिखेंगे एम एन प्लस एन आर बराबर क्यू आर। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको लिखें पहले क्यू आर धन एन आर। एन आर को आप चाहें तो आर एन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसे आर एन लिखेंगे। तो अब आपको एम एन धन एन क्यू को देखना होगा, एम एन धन एन आर को हम देखें, एम एन धन एन आर, ये हम इस पूरे के बदले एम आर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से आएगी, देखिए एम एन और एन आर के बदले हम इस पूरी लंबाई को एक साथ लिख रहे हैं, एम आर बराबर इसे देखें आप क्यू आर धन आर एन, क्यू आर धन आर एन। इसकी जगह पर आप पूरा पूरा क्यू एन लिख सकते हैं, इसे भी लिख दें क्यू एन। अब आप देखिए आपको मिला एम आर और क्यू एन दोनों बराबर हैं, तो एम आर इस त्रिभुज की विकर्ण वाली भुजा है और क्यू एन इस त्रिभुज की विकर्ण वाली भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि अब दोनों त्रिभुजों में तीन जानकारियां हैं जो समान हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है समकोण, एक भुजा दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, और पहले त्रिभुज का विकर्ण एम आर दूसरे त्रिभुज के विकर्ण क्यू एन के बराबर है। तो इन तीन जानकारियों के आधार पर आप कह सकते हैं कि समकोण जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, हाइपोटेनियस जिसे आप विकर्ण कहते हैं, और कोई एक भुजा, ये तीन चीज़ें यदि दो त्रिभुजों में बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हम इसके आधार पर लिखें त्रिभुज एम ओ आर सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू पी एन के, क्यू पी एन के। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, एम ओ आर सर्वांगसम क्यू पी एन, और ये आपने सिद्ध कर लिया। तो ये आपका उदाहरण 12 था, और इसे आप इस तरह से हल करेंगे, एक बार खुद से भी कोशिश करके आप देखिए आप इसे कर पाएंगे। कुछ करके देखें। पहला, नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुजों में x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, दिया है BC सर्वांगसम AC तथा कोण 1 बराबर 140 अंश, तो कोण 2 कोण 3 तथा कोण 4 का माप ज्ञात कीजिए। तीसरा, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए।